हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 9, Redmi 9 ग्लोबल जो कि Redmi 9 प्राइम इंडिया है, Poco M2 की। तो यहां पर ये वाली वीडियो Poco M2 के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन है। अगर आप Poco M2 के यूज़र हैं तो इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है Poco M2 के लिए। तो अभी तक Redmi 9 Prime के लिए भी इतनी बड़ी गुड न्यूज़ नहीं आई है जितनी बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर Poco M2 डिवाइस के लिए आ चुकी है। तो यहाँ पे Redmi Note 9, Redmi 9 जो कि Redmi 9 Prime है, Poco M2 MIUI 13 अपडेट इज गेटिंग रेडी। तो यहाँ पर इस वाली साइट को अपडेट कर दिया गया है विद न्यू MIUI वर्ज़न, और यहाँ पे कौन कौन से वर्ज़न रेडी हो चुके हैं इसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। और इसी के साथ इसमें हमें Redmi 9T का भी नाम देखने के लिए मिल जाता है जो कि Redmi 9 Power है। लेकिन ये वाली वीडियो Poco M2 के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन है, वो क्यों आगे इस वाली वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी के लिए Redmi Note 9 के लिए MIUI 13.0.1.0 Android 12 Global Stable अपडेट रिलीज़ हो चुका है। इस पर मैंने पूरे फीचर्स की वीडियो अपलोड कर दी है। इस अपडेट को पब्लिक में भी रिलीज़ कर दिया गया है। इन सब से रिलेटेड मैं ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको इसके फीचर्स की वीडियो, इंडिया अपडेट कब तक आएगा इससे रिलेटेड वीडियो, उन सारी वीडियोस का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो फिर जाइए, Redmi Note 9 के यूज़र हैं तो इस वाली वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये वाली वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि Redmi Note 9 के लिए ऑलरेडी अपडेट रिलीज़ हो चुका है 13.0.1.0 Android 12 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट, फीचर से रिलेटेड, इंडिया अपडेट से रिलेटेड। उन सारी वीडियोज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर जाइए और उन वाली वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए। अब बात करें इसके बाद अगले डिवाइस की, तो यहाँ पर अगले डिवाइस के लिए Redmi 9 के लिए 12.5.6.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट Android 11 पर बेस चल रहा है। इससे रिलेटेड भी मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर Redmi 9 Prime और Redmi 9 Global के लिए न्यू अपडेट विद जून सिक्योरिटी पैच रिलीज़ हुआ है 12.5.5.0 इंडिया स्टेबल अपडेट और 12.5.6.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट। और इसके बाद यहाँ पे Poco M3 के लिए 12.5.8.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट यहाँ पर चल रहा है। और इसके बाद आप जब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, Poco M2 के लिए 13.0.2.0 Android 12 का इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको टाइप रोम, डिवाइस शिवा आयन ग्लोबल, नेम HMJ19PIN ग्लोबल, V13.0.2.0 SJRINXM, कोड बेस आपको 12, वर्जन V13.0.2.0 SJRINXM, ब्रांच आपको इसमें F देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर Poco M2 यूजर्स के लिए 13.0.2.0 का Android 12 पर इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। और ऐसी लीक्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि Poco M2 MIUI 13 अपडेट विल बी अवेलेबल टू यू एट द बिगनिंग ऑफ द अगस्त एट द लेटेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, Poco M2 के लिए हमें अगस्त के फर्स्ट वीक में, यानी कि हमें अगस्त के बिगनिंग में ही MIUI 13 Android 12 देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर बिगनिंग में हमें देखने के लिए नहीं मिल सकता है, क्योंकि Redmi 9 Prime चाइना के लिए 13.0.1.0 अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। लेकिन इसकी न्यूज़ आ चुकी थी कि इसको बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा, उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो फिर जाइए उस वाली वीडियो को वॉच कर लीजिए। वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन Poco M2 के लिए MIUI 13 अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस तो मुझे देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि Xiaomi यहाँ पर कुछ भी कर सकती है। और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, Redmi 9 ग्लोबल स्टेबल के लिए, यानी कि Redmi 9 Prime 13.0.0.7 अभी तक इंटरनल में ही अपडेट चल रहा है, Redmi 9T के लिए भी इंटरनल में चल रहा है, और Poco M3 के लिए भी इंटरनल में ही चल रहा है। तो यहाँ पर इन सारे डिवाइसेस में इंटरनल में चल रहा है, लेकिन Poco M2 के लिए अपडेट रेडी हो चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से अगस्त के फर्स्ट वीक में तो हमें देखने के लिए
नहीं मिल सकता है, लेकिन अगस्त के मिड और अगस्त के एंड तक हमें पोको M2 के लिए MIUI 13 Android 12 ज़रूर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। इस बात की गारंटी मैं आपको यहाँ पर अभी दे देता हूँ, क्योंकि Redmi 9 Prime चाइना के लिए MIUI 13 Android 12 बहुत ही जल्द यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है, जुलाई के महीने में ही रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पर केवल 6 से 7 दिन ही बचते हैं जुलाई के, तो बस थोड़ा सा वेट और कीजिए, चाइना में 13.0.1.0 Android 12 का अपडेट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पोको M2 की ये वाली न्यूज़ अच्छी लगी तो इस वाली वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाने चाहिए, और इस वाले चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी 50 से 100 इस वाली वीडियो से ही बढ़ जाने चाहिए। तो इस वाली वीडियो को जहाँ शेयर करना चाहते हैं वहाँ शेयर कीजिए। आप इस वाली वीडियो को ज़रूर से लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वाली गुड न्यूज़ पोको M2 के लिए बहुत ही बड़ी है। अगर आप पोको M2 के यूज़र हैं तो इस वाली वीडियो पर ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आप Redmi 9 Prime के भी यूज़र हैं तब भी इस वाली वीडियो को लाइक कर देना। Redmi 9 Power के यूज़र हैं तो एक वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। MIUI 13 Android 12 से रिलेटेड चाइना में बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है, उस वाली वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी Redmi 9 Power के लिए। तो फ्रेंड्स, यही थी पूरी वीडियो Redmi Note 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, Poco M2, Poco M3, MIUI 13, Android 12 से रिलेटेड। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।